बढ़ते हुए बड़ी खबर महाराष्ट्र के नंदुरबार से इस वक्त मिल रही है। नंदुरबार जहां पर दो गुटों में हिंसक झड़प की खबर है। दरअसल ईद मिलाद जुलूस के दौरान ही ये दो गुट आपस में भिड़ गए, पथराव यहां होने लगा। नंदुरबार का ये इलाका जहां पर तोड़फोड़ की खबर है, आगजनी तक यहां पर हुई है। महाराष्ट्र में 3 दिन में हिंसा की ये चौथी घटना है। लगातार ये जो घटनाएं हैं सामने आ रही हैं और इनकी शुरुआत हुई थी गणेश उत्सव के टाइम से। ऐसे में लगातार हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आना या फिर दो पक्षों में टकराव हो जाना, ये हिंसा और तनाव की स्थिति एक के बाद एक सामने आ रही है महाराष्ट्र के नंदुरबार से। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर जहाँ पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, दो गुटों में हो गई हिंसक झड़प। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ईद मिलाद जुलूस के दौरान ही दो गुटों में आपस में ये झड़प हुई। नीतीश झा इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता। नीतीश, तस्वीरों में हम देख रहे हैं दो गुटों में झड़प और झड़प के बाद में वहां एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती भी दिखाई दे रही है। सबसे पहले बताइए ताजा अपडेट क्या है, उसके बाद बताइएगा ये पूरी खबर क्या है। जी बिल्कुल, देखिए रचना, इसमें अभी ताजा अपडेट ये है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक 54 लोगों को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और 100 से 150 लोगों को जो है और इस मामले में जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और सीसीटीवी के मुताबिक अब तक जो है 50 लोगों की पहचान की जा चुकी है और जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो भी खंगाले जा रहे हैं और इसमें अब 100 से 150 लोग जो है और गिरफ्तार हो सकते हैं। ये पूरा वाक्या जो है ईद मिलादुल नबी का जो जुलूस है वो निकाला जा रहा था, उस समय दो समुदाय जो है वो आमने सामने आ गए। उस समय पहले तो उन्होंने आपस में बहसबाजी हुई, फिर उसके बाद जो वहां पर पुलिस मौजूद थी उनके तरफ से जो है उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन देखते ही देखते जो है दोनों गुटों के बीच में जो है पथराव शुरू हो गया। फिर दोनों ही गुटों के तरफ से जो है एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके गए और साथ ही वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के ऊपर भी पत्थर फेंके गए, जिसमें 2 अधिकारी और 5 कांस्टेबल जो है वो घायल हुए। इसके साथ जो वहां दोनों पक्षों के लोगों की तरफ से भी कुछ लोग घायल हुए। उस समय जिस समय घटना हो रही थी कल शाम, उस समय वहां पर जो पुलिस मौजूद थी उनके तरफ से जो है उस जगह को, उस मामले को कंट्रोल करने के लिए, उस माहौल को कंट्रोल करने के लिए जो है नीतीश, आपसे शायद संपर्क टूट गया है। आप जो बता रहे हैं कि यहां पर दो गुट आपस में भिड़ गए, उपद्रवियों ने यहां पर तोड़फोड़ मचाई, हिंसा की घटना को अंजाम दिया और अब जिस तरीके से ये घटना घटी है उसमें दहशत बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। नंदुरबार में दो गुटों में हिंसक झड़प की खबर, ईद मिलाद जुलूस के दौरान दो गुटों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और फिर एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए जिसमें कुछ लोगों को चोट भी आई है। उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले भी कर दिया। बड़ा बवाल यहाँ पर हुआ है महाराष्ट्र जहाँ पर एक बार फिर से हिंसा की घटना सामने आई है। ईद मिलाद जुलूस के दौरान ही दो गुटों में ये झड़प हुई और ये झड़प हिंसक झड़प में तब्दील हो गई, जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती है और एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती इसलिए है ताकि ये जो तनाव की स्थिति है इसे कंट्रोल किया जा सके। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि कैसे ये घटना घटी है और कैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स आपको तस्वीरों में नजर आ रही है जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो हालात है देखिए यहाँ पर किस तरीके से इंतजाम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। पुलिस वाले भी यहाँ पर हेलमेट पहनकर पहुंचे हुए हैं। ये जो भीड़ है ये आपको यहाँ गलियों में नजर आ रही है, जिन दो पक्षों में टकराव हुआ है उन दो पक्षों की तरफ से अभी दोबारा ऐसी कोई हरकत ना हो जाए इस बात का ख्याल भी पुलिस के जरिए रखा जा रहा है। नीतीश, आपसे संपर्क टूट गया था, पूरी खबर बताइए। जी बिल्कुल रचना, जिस समय ये वाक्या हुआ, जिस समय दोनों दो समुदाय के बीच में पथराव शुरू हुआ, उसके बाद वहाँ जो पुलिस मौजूद थी उनके तरफ से जो है मामले को संभालने की जो है कोशिश की गई, लेकिन माहौल बिगड़ता देख जो है रीइंफोर्समेंट को उस समय बुलाया गया। जब तक रीइंफोर्समेंट टीम वहां पहुंची उस समय तक जो है
जो गाड़ियां वहां मौजूद थी उसमें आगजनी कर दी गई थी। उसके अलावा जो पत्थरबाजी थी और जो वहां लोग दोनों पक्षों के थे वो उग्र हो गए थे, जिसके बाद रिइंफोर्समेंट टीम आने के बाद जो है मामले पर काबू पाया गया, वहां माहौल पर जो है काबू पाया गया और कल शाम 6 बजे जो है हालात थोड़े ठीक हुए। आपको बता दें ये पूरी घटना कल शाम 4 से 6 के बीच की है और 6 बजे के बाद से जो है हालात कंट्रोल में आए और उसके बाद अब अभी भी वहां पर जो है जगह जगह पुलिस की जो है तैनाती है। नंदुरबार के मालीवाड़ा इलाका की एक घटना है जहाँ की वहाँ अब अभी भी जो है सुरक्षा बल तैनात है। अभी फिलहाल जो है माहौल वहाँ पर शांत है, लेकिन अब पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आ गई है और पुलिस के तरफ से जो है अब 54 लोगों को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस सूत्रों के तरफ से भी बताया गया है कि इस पूरे मामले में 100 से 150 लोगों को जो है और गिरफ्तार किया जा सकता है और जो ये पूरी घटना हुई है इसको लेकर जो है उच्च स्तरीय जाँच जो है वो शायद से हो सकती है इस पूरे मामले में। आपको बता दें ऐसी ही घटना जो है बीते दिनों भिवंडी अकोला में भी देखने मिली थी। उस समय जो है गणेश उत्सव का जो पर्व है अनंत चतुर्दशी जो है वो मनाया जा रहा था भिवंडी में, उस समय भी ऐसे ही दो समुदाय के बीच में जो है पथराव हुए थे। ठीक इसी तरह अकोला में भी पथराव देखने मिला था। भिवंडी में जब इस तरह की घटना हुई थी तो आपको याद दिला दें कि भिवंडी में पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए जो है लाठीचार्ज तक करना पड़ा था कि जो जो गणपति विसर्जन के दौरान जो लोग गणपति गणेश जी की मूर्तियां ले जा रहे थे वो वहां पर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए थे, क्योंकि कुछ पत्थर जो है गणेश जी की मूर्तियों पर भी लगी थी, जिसके बाद वहां पर भी ऐसी ही चीज जो है ऐसी घटना जो है देखने मिली थी। और ऐसे में आपको बता दें ये बीते 3 से 4 दिनों में अलग अलग जगह से जो है ऐसी तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आई है, जो कि काफी चिंताजनक है दो समुदाय के बीच में प्रेम शांति अमन के लिए। अब ये अमन शांति कैसे बरकरार रह पाएगा और जो हालात अभी के हैं उनमें कैसे पैनी नजर बनाई जाएगी? यहाँ कुछ पुलिस वालों की तैनाती है और पूरे इंतजाम के साथ में है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड है, हेलमेट उन्होंने पहने हुए हैं। क्या अभी भी ये स्थिति है कि इतना ज्यादा कंट्रोल किया जाए या नजर रखी जाए? नीतीश जी बिल्कुल, देखिए जब इस तरह की घटना होती है तो खास तौर पर जो पुलिस है या कह लीजिए सुरक्षा बल है उन्हें एहतियात बरतना होता है, क्योंकि ऐसी घटना होकर अगर माहौल शांत हो तो उस समय भी वो इलाका जो है काफी संवेदनशील है इस समय, और ऐसे में फिर से किसी अफवाह को सुनकर या किसी ऐसे वायरल या फेक मैसेजेस को देखकर या सुनकर लोग जो है फिर से उग्र ना हो जाए, क्योंकि दो समुदाय के बीच का जो है यहाँ पर विवाद है और ऐसे में अधिकतर जो है फेक मैसेजेस फेक वायरल मैसेजेस जो है वो अफवाह है, अधिकतर जो है काफी आग में घी का काम जो है करती है। इसके लिए आपको बता दें कल नंदुरबार के जो जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट है श्रवण दत्त, उनके तरफ से भी एक वीडियो वायरल वीडियो मैसेज जो है वो संदेश जो है वो दिया गया था लोगों को कि आप ऐसे भी किसी अफवाह पर जो है विश्वास ना करें और जो शांति अमन बरकरार रखने में जो है सहयोग करें। ठीक है, नजर आप रखिएगा नीतीश इस खबर पर, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।